हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाही किचन। मैं हूँ स्मृति और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी मैंगो फालूदा की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। और गर्मियों का सीज़न है तो ठंडा ठंडा फालूदा मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। बस तो चलिए से बनाना स्टार्ट करते हैं। बट अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने लिया है एक पैन जिसमें मैंने एक टेबल स्पून घी डाला है। ये है सेवैयाँ जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं घरों में। ये मेरी बारीक वाली सेवैयाँ हैं और रोस्टेड हैं। अगर आपके पास रोस्टेड सेवैयाँ नहीं है तो आप उसे पहले अच्छे से रोस्ट कर लें। मेरे पास रोस्टेड है तो मुझे इसे ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इसे हल्का सा गर्म कर रही हूँ। ताकि हल्का सा गर्म करने से क्या होता है कि जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा इनमें टेक्स्चर आ जाता है। तो मैंने इसे हल्का सा गर्म कर लिया है। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा दूध हम अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करेंगे। जैसे मैंने आधी कटोरी सेवई ली है तो उसका 5 गुना दूध ऐड करेंगे। 100 ग्राम सेवई है तो हमें 500 ml इसके अंदर दूध ऐड करना है। इस तरह से इसका मेजरमेंट लेना है। 100 ग्राम सेवइयों के साथ 500 ml दूध, तो आधा लीटर दूध डालूंगी मैं इसके अंदर। और अच्छे से दूध डालकर ना, दूध हमारा रूम टेम्परेचर का है और दूध डालकर हमें बस इसको 2 मिनट कुक करना है। 2 मिनट में बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। फ्लेम को आपको मीडियम टू हाई ही रखना है। और ये मेरी ना सेवई वो कस्टर्ड पाउडर है जो नॉर्मल कस्टर्ड पाउडर हम यूज़ करते हैं। मैंने 1 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर लिया है। नॉर्मल टीस्पून है जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं। और हम इस कस्टर्ड पाउडर को दूध या पानी के साथ, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसके साथ इसका घोल तैयार कर लेंगे। देखिए हमारी सेवैयाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। सिर्फ 2 मिनट हमें हाई फ्लेम पर कुक करना है, हमारी सेवैयाँ कुक हो जाएंगी। लगातार चलाते हुए हमारी सेवैयाँ बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगी। इसे ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि ओवर कुक अगर जब आप कर देंगे ना तो फिर जब आप कस्टर्ड डालेंगे तो ये बहुत जल्दी से ना टूटने लग जाएगा। तो हमें ओवर कुक नहीं करना, खाली इनको हल्का सा सॉफ्ट करना है। कस्टर्ड को अच्छे से हमने घोल बना लिया। एक बार इसे अच्छे से घोल लें ताकि इसमें लम्स ना रहें। और थोड़ा थोड़ा करके अब इसके अंदर हम कस्टर्ड का घोल ऐड करेंगे। कस्टर्ड का घोल डालने के बाद ये बहुत जल्दी ही गाढ़ा होने लगता है। तो फ्लेम को आपको बिल्कुल ही लो रखना है और लो फ्लेम पे इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर इस टाइम पे आपने अगर ज़्यादा कुक कर दिया होता ना सेवइयों को तो ये बहुत जल्दी ऐसा मतलब गल जाता बहुत जल्दी। पर इसे बस हल्का सा बस 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आप कुक कीजिए, बस इससे ज़्यादा कुक नहीं करना। और उसके अंदर देन आप कस्टर्ड पाउडर ऐड कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो अलग अलग भी दोनों को बना सकते हैं, मतलब कस्टर्ड पाउडर अलग और सेवइयाँ अलग। अब मैंने शुगर लिया है, मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग 4 चम्मच शुगर डाल रही हूँ। जो हम चावल खाते हैं उस टीस्पून से मैंने 4 चम्मच शुगर लिया है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं। क्योंकि हम इसे मैंगो के साथ बना रहे हैं तो मैंगो में भी अपना फ्लेवर होता है और स्वीटनेस भी होती है, तो हमने चीनी का इतना ही यूज़ किया। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं। देखिए अब अच्छे से ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, बहुत अच्छा सा इसमें गाढ़ापन आ गया है। बस इतना ही गाढ़ा रखना है, इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। हमें इस स्टेज तक ही इसको कुक करना था। हमने अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे बहुत अच्छे से 1 से 2 मिनट चलाना है, ताकि ये अगर हम छोड़ देंगे ना चलाना तो इसमें लम्स बन जाएंगे। इसलिए 1 से 2 मिनट गैस के फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी इसे चलाएंगे। और अब इसको बिल्कुल अच्छे से हमको ठंडा करना है। मैं इसको 1 घंटे के लिए, 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रीज़र में भी थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, 1/2 घंटे के लिए करीब। मैं इसे फ्रिज में रखूंगी और बहुत अच्छे से इसको ठंडा करूंगी। जब तक ये बहुत अच्छे से ठंडा होगा हम दूसरी प्रिपरेशन तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मैंगोज लिए हैं थोड़े से, और मैंगो 2 मैंगो लिया है बड़े साइज़ का, और उसका अच्छे से पल्प निकाल के छन्नी की हेल्प से उसे छान लिया है। ये देखिए बहुत अच्छे से पल्प है, बहुत बारीक अच्छा पल्प बनाना है। इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं रखना हमको। इस तरह से मैंने इसका पल्प पीस के रख लिया है मिक्सी में अच्छे से। और हमारा जो ये कस्टर्ड और सेवई की पुडिंग थी ना, ये भी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है, और ये मैंगो भी हमारा बिल्कुल ठंडा है। तो चलिए अब इसे ठंडा ठंडा सर्व करते हैं। तो पहले मैंने इस पर 1 लेयर मैंगो प्यूरी की लगाई है, अच्छा 1 मोटा लेयर मैंने मैंगो प्यूरी का लगा दिया है। अब जो हमारी ये कस्टर्ड और सेवई का जो हमारा फालूदा है ना, उसको हम ऐड करेंगे। देखिए बहुत अच्छा टेक्सचर, बहुत टेस्टी है, खाने में लगती है। अब इसके साथ मैं इसमें सेवैयाँ जो हमने बना के रखी थी ना फालूदा, वो ऐड कर रहे हैं हम कस्टर्ड फालूदा। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से और आप जिसमें भी सर्व कर रहे हैं उस हिसाब से इसे सेट कर ले। आप लेयर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आप चाहें तो थोड़े से कटे हुए मैंगोज भी रख सकते हैं, बीच में अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स की भी लेयर लगा सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है।
और देखिए अच्छा लेयर लग गया है। अब सेम मैं इसके ऊपर एक बार और मैंगो प्यूरी की लेयर लगाऊंगी। दो दो चम्मच भर के हमने अगेन एक लेयर मैंगो प्यूरी की लगा दी है। आप चाहें तो इसके अंदर और फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो, बनाना वगैरह। और फिर से हम एक बार और फालूदा की लेयर लगाएंगे। इस तरह से आप चाहें तो पतली पतली लेयर्स भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ दो लेयर्स लगाई हैं, आप चाहें तो ज़्यादा लेयर्स भी लगा सकते हैं। और अब हमारे लेयर्स जो हैं बिल्कुल बनकर तैयार है और हमारा ग्लास बिल्कुल अच्छे से फिल हो गया है। अब हमने बिल्कुल क्यूब्स में मैंगोज कट करके रखे थे, तो मैं इसमें अब क्यूब्स वाले मैंगोज ऐड कर रही हूँ। ये देखिए हमारे क्यूब्स में कटे हुए मैंगोज हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया था। अब ये मैंगोज हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। मैंगोज की लेयर मैंने लगा दी है। अब मैं इस पर थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स रखा हुआ है मैंने, उसकी भी कतरन हम लगा देंगे। टोटली ऑप्शनल है, आपको जैसा मन करे इसे उस तरह से आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल और थोड़ा दूध डाल के पीने जैसा भी बना सकते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और मेरे कहने पर एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिए हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर इसकी बनी है, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कि आपको ये कैसी लगी। देखिए बहुत ही अच्छी लेयरिंग हुई है और चम्मच से जब इसे आप खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल चिल्ड, ठंडा, बिल्कुल माउथ वाटरिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।